Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अयोध्या में रहने वाले साधुओं की यूपी पुलिस गोपनीय तरीके से वेरिफिकेशन कर रही है। अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद की संवेदनशीलता को देखते हुए यूपी पुलिस पिछले 3 महीने से अयोध्या में रहने वाले और बाहर से आने वाले साधुओं का वेरिफिकेशन कर रही है। इसके साथ ही बाहर से आने वाले साधुओं पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर कुछ साधुओं ने आपत्ति जताई है, जबकि कुछ संतों ने पुलिस की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। हमारा सत्यापन करना सरकार की ठीक है, अच्छी, हम बधाई देते हैं। इस प्रकार की ब्यौरा सोच रही है, इसको बहुत पहले करना चाहिए था। वो तो संत हैं, अगर इनका कुछ पूछा जाता है तो संत नहीं होते। संतों का सत्यापन होना एकदम अनुचित है। बाहर से जो साधु भेषधारी हैं और उनके कार्य कुछ उटपटांग हैं, वो अवांछित नहीं हैं, तो उनका वेरिफिकेशन हो जाए तो अच्छी बात है। और जो स्थायी रूप से रह रहे हैं, जिनको आवास है, जिनका दुकान है और जो किराएदार के रूप में रह रहे हैं, उनका हम लोगों ने बृहद रूप से सत्यापन किया। जो हमारे परिसर के रेडियस में रहते हैं, उन सब का लगभग सत्यापन हो गया है। पहले चरण का सत्यापन कार्रवाई और आगे चल रही है। मीट कारोबारी की हत्या के दोषियों का सम्मान करने वाले केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को लेकर बीजेपी में ही फूट पड़ गई और पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी बहाने जयंत सिन्हा पर ही हमला बोल दिया। साथ ही उन्होंने जयंत सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। I think he should be dropped and he should not be given a ticket from Hazaribagh or any other place. हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जयंत सिन्हा का बचाव किया। कौन किसको मिला, किसने किसको दिया, किसने माला पहना, ये कोई देश के एकता अखंडता के और भविष्य के विषय है क्या? जयंत सिन्हा को लेकर बीजेपी में उभरे मतभेद के बाद कांग्रेस भी सामने आई और उसने कानून का मजाक उड़ाने का आरोप जयंत सिन्हा पर लगाया। यही नहीं, कांग्रेस ने जयंत सिन्हा के अलावा इसी मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी निशाने पर लिया और कांग्रेस नेता मीम अफजल ने उनके इस्तीफे की मांग की। उन मुलजिमों के साथ मुलाकात करके उनकी हिमायत में बयान दिया है मिनिस्टर होते हुए, उनको भी इसी शैली में रखते हुए उनसे भी इस्तीफा लेना चाहिए। हालांकि इससे पहले कुछ पूर्व नौकरशाह भी केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के इस कदम पर एतराज जताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने निकाय चुनाव के बहाने शिवराज सरकार को घेरा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हार की वजह से राज्य के 5 निकायों में चुनाव कार्यक्रम स्थगित करवाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, किसी चुनाव से डरती नहीं है। बिहार में एक चुनावी जनसभा के दौरान AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार पर राज्य की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। राजस्थान के जयपुर में एक ऐसा अस्पताल बनाया जा रहा है जहां ज्योतिषी कुंडली देखकर मरीज की बीमारी बताएंगे और फिर मेडिकल जांच की जाएगी। राजस्थान ATS ने हथियारों के फर्जी लाइसेंस मामले में मुख्य आरोपी ज्योति रंजन को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार करने का दावा किया। मध्य प्रदेश के अशोक नगर में नगर निगम के क्लर्क की पत्नी पर सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी के एक नेता ने रेलवे पुलिस पर प्लेटफॉर्म टिकट न होने की वजह से मारपीट करने का आरोप लगाया। झारखंड के रांची में पुलिस ने 2 परिवारों की रजामंदी के बाद थाना परिसर में ही एक लड़का और एक लड़की की शादी करवा दी। झारखंड के धनबाद में DRM दफ्तर पहुंची कई महिलाओं ने रेलवे में बतौर लोको पायलट काम कर रहे अपने पतियों की ड्यूटी नक्सल प्रभावित इलाके से हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश में मेडिकल छात्र की खुदकुशी मामले में गिरफ्तार पूर्व विधानसभा सचिव की बेटी समेत 2 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नई साजिश रची और बच्चों को आतंकी बनाकर घाटी में भेजने लगा। पाकिस्तान ने अपनी चाल बेहद शातिर अंदाज में चली, लेकिन अंजाम तक पहुंचने से पहले ही इसका पर्दाफाश हो गया और पाकिस्तान की पोल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने खोल दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बेनकाब किया। पाकिस्तान ने भारत में मानवाधिकारों को लेकर जो दस्तावेज दिए उनका कोई आधार नहीं है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और वहां के आतंकी संगठन आतंकवाद के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि भारत सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र के मानकों का पालन करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने आतंकवाद के लिए बच्चों के इस्तेमाल की जो बात कही वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की रिपोर्ट में कही गई।
जिसे पाकिस्तान नकार नहीं सकता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन बच्चों को आतंकी बना रहे हैं। 2017 में जैश और हिजब के ट्रेनिंग कैंप में तैयार बच्चों को घाटी में आतंकी वारदात के लिए इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में दावा है कि आतंकी संगठन बच्चों को ज्यादातर आत्मघाती हमलावर बनाते हैं, साथ ही उनसे सेना की जासूसी भी कराई जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो मदरसे हैं उनमें बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों को आतंकवाद के लिए तैयार किया जाए, उनको एज अ शील्ड इस्तेमाल कर दिया। पाकिस्तान पहले से ही घाटी में मानवाधिकार के उल्लंघन का झूठ फैलाता रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद वो अपने ही बनाए जाल में उलझ गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कंबाल संभाल ली है। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले 20 दिनों में यूपी की कई जनसभाएं करेंगे। सोमवार को नोएडा में सैमसंग कंपनी के प्लांट का उद्घाटन करने के बाद 14 जुलाई को प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में सभा करेंगे और वहां पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास भी करेंगे। आजमगढ़ में सभा के बाद प्रधानमंत्री उसी दिन वाराणसी जाएंगे, जहां कई योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। अगले दिन प्रधानमंत्री मिर्जापुर जाएंगे, जहां वो गंगा नदी पर बने पुल और बाण सागर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद 21 जुलाई को वो शाहजहांपुर में किसान कल्याण रैली को संबोधित करेंगे, जबकि 29 जुलाई को वो लखनऊ में शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में जनता से संवाद करेंगे। यूपी की बागपत जेल में डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद शुरू हुआ सियासी बवाल और तेज हो गया। सरकार ने जेल में हुई हत्या की न्यायिक जांच के आदेश दिए, लेकिन मुन्ना बजरंगी की हत्या पर विपक्ष का हमला जारी रहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि आज यूपी में न तो कानून बचा है न व्यवस्था। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो जेल तक में हत्याएं कर रहे हैं। प्रदेश ने ऐसा कुशासन और अराजकता का दौर पहले कभी नहीं देखा। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सरकार पर हमला बोलते हुए खुद अपनी हत्या की आशंका जता दी। इतने ताकतवर लोग जब उनकी जान जेल तक में महफूज नहीं है तो हमारे जैसे लोग हम कहां स्टैंड करते हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को करारा जवाब दिया। अखिलेश जी कभी कभी आईना देखना भूल जाते हैं। अखिलेश जी आप चिंता ना करें, अभी आप अपना हॉलिडे और अच्छा मनाएं। बीजेपी ने दावा किया कि कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार सख्त है। थाईलैंड के शियंग राई के गुफा में 23 जून से फंसे 12 लड़कों और उनके कोच को सुरक्षित बचाने में योग का अहम योगदान भी सामने आया, जिसके लिए थाईलैंड सरकार ने भारत का आभार जताया। और दिल्ली में थाईलैंड के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन ने गुफा के अंदर पानी में घिरे बच्चों का मनोबल बनाए रखने के लिए उनके कोच को योग की जानकारी होने का फायदा मिलने का दावा किया। He has used his knowledge of meditation to calm the boy. दावा किया जा रहा है कि बच्चों के साथ गुफा में फंसे उनके फुटबॉल कोच करीब 10 साल तक बौद्ध भिक्षु रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मेडिटेशन में भी महारत हासिल की। थाईलैंड के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन ने उनके देश को मेडिटेशन सिखाने के लिए भी भारत का आभार जताया। Many centuries ago have learned from India, from Lord Buddha, who is one of the most illustrious son of India, and we thank India and Indian civilization for that. करीब 10 किलोमीटर लंबी गुफा में फंसे सभी 12 लड़कों और उनके कोच को सुरक्षित बाहर निकालने के अभियान में भारत समेत दुनिया के कई देश शामिल रहे। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे रणवीर सिंह की टी शर्ट पर फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी का नाम लिखा नजर आया। रणवीर इन दिनों हैदराबाद में रोहित शेट्टी की एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और उसी के बीच से समय निकालकर मुंबई लौटे, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनके चाहने वालों ने उन्हें घेर लिया। इसी दौरान लोगों की नजर लाल जैकेट के नीचे पहनी उनकी व्हाइट शर्ट पर जाकर टिक गई, जिस पर लिखा था रोहित शेट्टी का हीरो। अपने फेवरेट हीरो को अपने बीच पाकर फैंस में तस्वीर लेने की होड़ मच गई। उन्होंने भी न तो अपने प्रशंसकों को निराश किया और न ही मीडिया के कैमरा पर्सन को। लेकिन इस दौरान रणवीर कई बार अपनी जैकेट खोलकर टी शर्ट पर लिखे मैसेज की तरफ इशारा करते रहे और ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि उनके लिए डायरेक्टर रोहित शेट्टी कितने अहम हैं। अयोध्या में रहने वाले साधुओं की यूपी पुलिस गोपनीय तरीके से वेरिफिकेशन कर रही है। अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद की संवेदनशीलता को देखते हुए यूपी पुलिस पिछले 3 महीने से अयोध्या में रहने वाले और बाहर से आने वाले साधुओं का वेरिफिकेशन कर रही है। इसके साथ ही बाहर से आने वाले साधुओं पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर कुछ साधुओं ने आपत्ति जताई है, जबकि कुछ संतों ने पुलिस की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। हमारा सत्यापन करना सरकार की ठीक है, अच्छी, हम बधाई देते हैं। इस प्रकार की ब्यौरा सोच रही है, इसको बहुत पहले करना चाहिए था। वो तो संत हैं, अगर इनका कुछ पूछा जाता है तो संत नहीं होते। संतों का सत्यापन होना एकदम अनुचित है। बाहर से जो साधु भेषधारी हैं और
उनके कार्य कुछ उटपटांग हैं, वो अवांछित नहीं हैं, तो उनका वेरिफिकेशन हो जाए तो अच्छी बात है। और जो स्थायी रूप से रह रहे हैं, जिनका आवास है, जिनका दुकान है और जो किराएदार के रूप में रह रहे हैं, उनका हम लोगों ने बृहद रूप से सत्यापन किया। जो हमारे परिसर के रेडियस में रहते हैं उन सब का लगभग सत्यापन हो गया है। पहले चरण का सत्यापन कार्रवाई और आगे चल रही है। मीट कारोबारी की हत्या के दोषियों का सम्मान करने वाले केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को लेकर बीजेपी में ही फूट पड़ गई और पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी बहाने जयंत सिन्हा पर ही हमला बोल दिया। साथ ही उन्होंने जयंत सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। I think he should be dropped and he should not be given a ticket from Hazaribagh or any other place. हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जयंत सिन्हा का बचाव किया। कौन किसको मिला, किसने किसको दिया, किसने माला पहना, ये कोई देश के एकता अखंडता के और भविष्य के विषय है क्या? जयंत सिन्हा को लेकर बीजेपी में उभरे मतभेद के बाद कांग्रेस भी सामने आई और उसने कानून का मजाक उड़ाने का आरोप जयंत सिन्हा पर लगाया। यही नहीं, कांग्रेस ने जयंत सिन्हा के अलावा इसी मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी निशाने पर लिया और कांग्रेस नेता मीम अफजल ने उनके इस्तीफे की मांग की। उन मुलजिमों के साथ मुलाकात करके उनकी हिमायत में बयान दिया है मिनिस्टर होते हुए, उनको भी इसी शैली में रखते हुए उनसे भी इस्तीफा लेना चाहिए। हालांकि इससे पहले कुछ पूर्व नौकरशाह भी केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के इस कदम पर एतराज जताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। बिहार के गया में एक मरीज की मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया। बिहार के गया में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एक महिला मरीज की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। झारखंड सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को 1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया। असम के डिब्रूगढ़ में एक पुलिस अधिकारी ने उनका फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाए जाने की शिकायत दर्ज करवाई। राजस्थान के जयपुर में सचिन पायलट की मौजूदगी में सहदेव चौधरी बीजेपी छोड़कर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में अधिकारियों के तबादले के अधिकार को लेकर चल रहे टकराव के बीच उपराज्यपाल ने 3 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। कांग्रेस ने 14 जुलाई से शुरू होने वाली बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान इलाके के खिलाड़ियों को सीएम के स्वागत की जिम्मेदारी सौंपने पर एतराज जताया। त्रिपुरा के अगरतला में पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में नक्सल प्रभावित इलाके में आयोजित आंखों की जांच शिविर में काफी संख्या में लोग अपनी जांच करवाने पहुंचे। राजस्थान के राजसमंद में एक रेप पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि जेल में बंद आरोपी ने उसे फोन पर जान से मारने की धमकी दी। उत्तर प्रदेश से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अजीत सिंह। राज्य के अलग अलग जिलों में डीएम और एसपी जेलों में छापेमारी कर रहे हैं। बागपत जेल में डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद योगी सरकार के आदेश पर ये छापेमारी की जा रही है। इस घटना के बाद राज्य की जेलों में बंद अपराधियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जेलों के बाहर PAC को तैनाती की गई है।